चलो जी, थोड़ा अपना एक टॉपिक बीच में रह गया था, इसको अपने को एलिमिनेशन के साथ पढ़ना चाहिए था, क्लियर है? ये है इथर फॉर्मेशन। क्या है बेटा? इथर फॉर्मेशन। इसके क्वेश्चन आप कहीं जगह देखोगे, इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक पोर्शन अपने को अच्छे खासे से दे रखा है, ठीक है? तो इथर फॉर्मेशन में अपन बात करें तो अपने को दो तरह के इथर बनाने होते हैं। पहला जो इथर फॉर्मेशन वो होता है, वो होता है सिमेट्रिकल इथर फॉर्मेशन। सिमेट्रिकल इथर फॉर्मेशन का मतलब क्या है बेटा? ऐसा इथर जिसमें मतलब क्या है, दोनों तरफ कार्बन चेन क्या होती है, सेम। दोनों तरफ कार्बन चेन क्या होती है, सेम। अरे बोलो, ये वाला इथर फॉर्मेशन हमें सीखना है। तो अगर अपन जनरली एक बात करें, बड़ा सिंपल से ट्रेंड की बात करें, कि अगर हम किसी अपने पास जैसे एसिड बेस है, अगर अपने पास जैसे एल्कोहल है, उसमें हम कंसेंट्रेट एस्टरेसो को डालें 0 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर डालें बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो सिंपल सा एक एसिड बेस रिएक्शन होती है और कुछ नहीं होता। ये एसिड एच प्लस देता है, ये एच प्लस लेता है, और कुछ नहीं। रिएक्शन यही रुकी रहती है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो पहली रिएक्शन समझ में आई कि ये एसिड बेस रिएक्शन कैसे करता है। अरे बोलो, कौन? एल्कोहल इतना एसिड थोड़ी है। एल्कोहल के पास OH है, OH में लोन पेयर लुईस बेस है एल्कोहल। अरे बोलो, तो ये जस्ट बहुत लो टेम्परेचर पर एसिड बेस रिएक्शन है। लो टेम्परेचर क्या है? एसिड बेस। अगर ये रिएक्शन 298 केल्विन के अराउंड हो, मतलब रूम टेम्परेचर अराउंड हो, तब इस रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, जस्ट एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? जस्ट एलिमिनेशन क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जो OH है वो यहाँ से बाहर चला जाता है, और उसकी जगह कौन अटैक कर देता है? H2SO4 में न्यूक्लियोफाइल कौन है? ऐसा SO4 नेगेटिव। तो बोलो, सोडियम बाइसल्फाइड सल्फेट, ये नेगेटिव अटैक करेगा OH, बाहर चला जाएगा। और ये जस्ट ये एलिमिनेशन रिएक्शन, जस्ट क्या ये एलिमिनेशन। ये दोनों रिएक्शन अपनी एनसीईआरटी में नहीं है। बस मैंने तो सीक्वेंस बताई कि टेम्परेचर के साथ कहानी कैसे पलट रही है। में जब हमने रिएक्शन 0 पे कराई, हमने ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे कराई, अब हम ये रिएक्शन हम 443 केल्विन पे कराना चाहते हैं। कितने पे कराना चाहते हैं बेटा? 443 केल्विन पे। तो सिंपल से कहने, पहले कंसेंट्रेट H2SO4 डाला। H2SO4 क्या करता है बेटा? डालने से ये OH+ एब्जॉर्ब करता है। फिर बोलो, और OH H2 को एब्जॉर्ब करता है, तो आपको पता है OH2+ बनेगा। और जैसे OH2+ बनेगा, H2O यहां से बाहर, H2O यहां से। और ये रिएक्शन इतना टेम्परेचर, इस टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है एलिमिनेशन कराने के लिए टेम्परेचर चाहिए, क्या चाहिए? और इतना सफिशियंट टेम्परेचर है कि इवन एलिमिनेशन फॉलो होती है। कौन सी फॉलो होती है? इवन एलिमिनेशन फॉलो होती है। आपका H2O बाहर चला जाता है, कार्बन पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। और इन द नेक्स्ट स्टेप CH2 बॉन्ड टूट के आपकी इवन एलिमिनेशन प्रोसीड हो जाती है। कौन सी प्रोसीड हो जाती है? हम यही तो पढ़ते आए थे, इवन एलिमिनेशन में कंसेंट्रेट H2SO4 डालते हैं, हीट लिखा है तो इवन करवा दो। अरे बोलो, और इवन इजिली कैरिड आउट हो गई। अरे बोलो, चमका गया। इस इवन में थोड़ा सा एक पंगा है कि इवन को ये थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा इसको और हाई चाहिए होने के करते से कारण है कि यहाँ जो कार्बोकैटायन बनता है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है। प्राइमरी तो कार्बोकैटायन है, जैसा कार्बोकैटायन है, लेकिन यही रिएक्शन में सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल की कराना चाहूं, सेकेंडरी और उनमें भी एलिमिनेशन हो जाएगा। उनमें क्या है बेटा? OH है, OH+ लेके H2 के रूप में बाहर। ये भी OH है, वो H+ लेके H2 के रूप में बाहर। और ये एलिमिनेशन हम पढ़ चुके हैं बेटा। लेकिन अब हमारी बात इस पे नहीं, हमारी बात है प्राइमरी एल्कोल पे। तो इस प्राइमरी एल्कोल ने 443 केल्विन पे एलिमिनेशन दिखाया, जो हम पढ़ गए थे इवन एलिमिनेशन, कि OH है वो H+ लेके H2 के रूप में बाहर, फिर कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन का माइग्रेशन पॉसिबल हो तो माइग्रेशन करेगा, वरना H रिलीज करके क्या बना लेगा? एल्कीन। अरे बोलो, यही रिएक्शन अगर हम 413 केल्विन पे करवा दे प्राइमरी एल्कोल की, तो 413 केल्विन सबसे पहले तो आपको पता है OH H+ लेगा और OH2+ बनेगा। क्या बनेगा? बोलो, कोई दिक्कत है? अब OH2+ इतना टेम्परेचर हाई नहीं है कि लीव कर जाए, क्योंकि तो लीव करने के लिए टेम्परेचर चाहिए बेटा। अरे बोलो, और दूसरी बात, इतना टेम्परेचर भी हाई नहीं है कि लीव कर जाए, साथ में से पता है लीव करने के बाद जो कार्बोटन बनेगा वो भी कोई खास स्टेबल है, तो ये लीव करता ही नहीं है। और ये लीव नहीं करेगा तो हमें पता है कि सारे एल्कोहल ने तो H+ लिया नहीं, कुछ ने H+ लिया, कुछ बिना H+ के भी है, और जो बिना H+ के उनका ऑक्सीजन एक लोन पेयर है, लोन पेयर तो एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो H2O बाहर। अरे बोलो, तो आपको पता है इस पोर्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है? CH3 CH2 O- न्यूक्लियोफाइल है, और ये अटैक करेगा तो OH2 बाहर चला जाए। अरे बोलो, और OH2 बाहर चला गया तो क्या मिला हमें बेटा? CH3 CH2 O CH2 CH3। हमें क्या मिला बेटा? एक सिमेट्रिकल ईथर मिला। क्या मिला? तो हमारे पास तीन सिचुएशन आई, 0 डिग्री पे जस्ट एसिड बेस रिएक्शन, रूम टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 443 केल्विन पे एलिमिनेशन,
और 4-1-3 पे ये है तो एलिमिनेशन ही, सॉरी सब्स्टिट्यूशन, लेकिन अजीब तरह से इथर फॉर्मेशन हुआ। और बोलो यस सर ये सारा काम प्राइमरी एल्केन के साथ ही होता है कि सर क्यों? क्योंकि बेटा देखो अगर यहाँ सेकेंडरी एल्केन कुछ सेकेंडरी एल्कोल या कुछ भी होता तो ये हमें पता ही OH2 बनता और इस जगह पे इस लोन पेयर को टेक करना है। अरे बोलो, और ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता तो ये कार्बन ना तो टर्शरी हो सकता ना सेकेंडरी हो सकता ना पीएच हो सकता, क्योंकि पीएच वाला तो वैसे भी सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। अरे बोलो चमका क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो जी सबको क्लियर हुई बताइए पक्का? तो कि सिमेट्रिकल ईथर फॉर्मेशन किसका है सिर्फ? किसका? सिर्फ प्राइमरी का है। अगर आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है तो 4-1-3 केल्विन पे क्या कराओगे? एलिमिनेशन, सॉरी नॉट सब्स्टिट्यूशन, ईथर फॉर्मेशन। क्या कराओगे? ईथर फॉर्मेशन। और 4-4-3 केल्विन पे क्या कराओगे? एलिमिनेशन। देखो ये मैकेनिज्म है, इसमें फंसने का नहीं है कि सर मैं कैसे याद रखूंगा, याद करने का तरीका मैं बताऊंगा ना। मैंने तो आपको पहले केस बोले क्या क्या है। अरे बोलो, यस सर लेकिन ये जो सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल है ये कभी भी क्या बोलते हैं ईथर फॉर्मेशन नहीं करते। इसके पीछे दो रीजन, ये करते हैं लेकिन हमारी एनसीईआरटी कहते हैं तुम्हारे लायक नहीं है। तुम एनसीईआरटी पढ़ो, साफ साफ लिखा है कि करते होंगे लेकिन तुम्हें नहीं करवाना, करते होंगे लेकिन तुम्हें नहीं करवाना। आ रही बात समझ? तो सिंपल सी कहानी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को आप सीधा ही क्या कराओगे? एलिमिनेशन। क्या कराओगे? एलिमिनेशन। कौन सा? इवन आपको आता है। अब इवन एलिमिनेशन क्यों कराना है? कि सिर्फ दो पंगे, क्योंकि जो कार्बोक्टेन बनता है इनका वो स्टेबल है तो एलिमिनेशन को वैसे भी फॉलो अप करेंगे। दूसरी बात, अगर ईथर फॉर्मेशन करते तो वहां बीच में SN2 आती है, ये माइक के लाल SN2 देने को तैयार नहीं है। अरे बोलो चमका क्या? आपको अगर सर SN2 नहीं दिला, SN1 दिलवा लो। कोर्स SN1 दिला, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी मना करती है, मत करना। अरे बोलो, जब एनसीईआरटी पढ़ो उसने साफ लिखा है कि आगे ये क्लासों में तुम्हारे लिए नहीं है। अरे बोलो, तो हमें करना क्या है? इस तरह तो मैकेनिज्म की बात होगी, सीधी सीधी बात बताओ। हमें कुछ नहीं करना, हमें इतना ध्यान रखना है कि प्राइमरी एल्कोहल है वो डाइमराइज होगा। क्या होगा बेटा? 8413 केल्विन टेम्परेचर एंड फॉर्म सिमेट्रिकल है इथर। सिमेट्रिकल एल्कोहल लिखा है इथर करने से। सिमेट्रिकल क्या फॉर्म करेगा? इथर। तो तुम्हें इतने से लाइन याद रखनी है, क्या याद रखना है? डाइमराइज होगा और सिमेट्रिकल इथर बनाएगा। जैसे हमारे पास CH3OH है तो आप क्या करोगे बेटा कि सर CH3OH ऐसा है, दूसरा CH3OH लो और दोनों में से क्या बाहर निकाल दो? H2O। आपका एल्कोहल तैयार। मुझसे एक इथर से, सॉरी मुझसे कहा ये वाला इथर किससे बना होगा, तो मैंने कहा सिमेट्रिकल है तो CH2H5OH में H2SO4 डाल दिया 4-1-3 केल्विन पर, और 4-4-3 केल्विन पे क्या है? एल्किन। तो बोलो ये किससे बना होगा? प्रोपेनॉल से। तो बोलो, तो क्या सिमेट्रिकल तो समझ में आ गया बेटा? तो अपन क्या बोले, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल कुड नॉट फॉर्म सिमेट्रिकल है इथर, सिमेट्रिकल इथर फॉर्म है नहीं करते। तो क्या सिमेट्रिकल इथर फॉर्मेशन में दर्शन में आया? छोटा सा मैकेनिज्म तो कुछ भी हो, लाइन समझ में आई तो दोस्त क्वेश्चन बनते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल क्यों नहीं देते? किसी SN2 फॉलो अप नहीं कर पाते, SN1 से करवाना है, SN1 से हमारे दिया नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट वन है कि हमसे पूछे कि प्रोडक्ट पूछेगा सिमेट्रिकल इथर फॉर्मेशन का, तो आसान से बता सकते हो, प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट पूछेगा। अरे बोलो, सिमेट्रिकल मतलब एक एल्कोल तो जा रहा है, उसी एल दो एल्कोल आते हैं तो एक का H2 निकलता, तो सिमेट्रिकल बनेगा दोनों तरफ कार्बन चेन क्या है? सेम। अरे बोलो नेक्स्ट वन अपना विलियमसन इथर सिंथेसिस। ये विलियमसन इथर सिंथेसिस क्या कहता है कि आप हेलो एल्केन लो, एक तो क्या लो, एक आप क्या लो, एल्कोक्साइड। क्या लो बेटा? एल्कोक्साइड। हमें कैसे मिल सकता है कि सर एल्कोल में सोडियम डाल दो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा? अरे बोलो, या इसमें अमोनिया डाल दो, क्या डाल दो? अमोनिया भी इसका H+ खा लेगा। अरे बोलो अमोनिया नहीं, अमोनिया, हाँ अमोनिया भी खा सकता है, अमोनिया से बेटर डालते हैं NH2-। एक सेकेंड, हमारे पास क्या एल्कोहल है उसमें क्या डाल दो बेटा? सोडियम। क्या मिल जाएगा? एल्कोक्साइडाइन प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाएगी, या हम इसमें डाल दे NaNH2-, तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्कोक्साइडाइन और अमोनिया गैस बाहर। अरे बोलो, लेकिन क्या मैं इसमें NaOH डाल के बना सकता हूं क्या ये चीज? ऐसा NaOH खा जाएगा क्या? खिला के देख लो क्या होगा। RO नेगेटिव और इधर क्या मिलेगा? H2O। प्रोडक्ट का एसिड कौन है? H2O। रिएक्टेंट का कौन है? एल्कोल। तो बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्ट का एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग। और तुमने GOC में सिखाया था कि एसिड बेस रिएक्शन का प्रोसीड होती है, तो ये वाला रिएक्शन प्रोसीड है नहीं
नहीं होगी, मतलब एल्कोहल इन NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि प्रोडक्ट का एसिड क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग, प्रोडक्ट का एसिड वीक बनना चाहिए, यही एसिड बेस रिएक्शन की क्या था कंसेप्ट में सिखाया था अच्छे से। तो ध्यान रहना ये एल्कोक्साडाइल इससे नहीं बनेगा, इनसे बनेगा। और बोलो तो आप कहीं से एल्कोक्साडाइल लियो, आरएक्स लियो। अब आपको पता है आरएक्स में एक्स कौन है, हेलोजन है, लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है तो वो डेल नेगेटिव पे डेल है, पॉजिटिव आरओ नेगेटिव क्या है बेटा, एक न्यूक्लियोफाइल, तो आरओ नेगेटिव अटैक करेगा और आरएक्स से बाहर, कौन सी मैकेनिज्म से, SN2, तो SN2 फॉलो होती है और आपके पास इथर बनता है। अब ये आर और ये आर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, तो आप कई तरह के एल्कोहल बना सकते हो, सॉरी कई तरह के इथर बना सकते हो। इसमें आप एक चीज देखोगे कि अटैक किस पे हो रहा है, इस कार्बन पे हो रहा है, और बोलो और SN2 रिएक्शन की क्या खासियत है, जिस पे अटैक हो रहा है वो बल्कि नहीं होना चाहिए, आने वाला बल्कि मुझे कोई दिक्कत है, लेकिन जिस पे अटैक हो रहा है मतलब हेलोजन वाला आर बल्कि नहीं होना चाहिए, ये वाला आर SN2 देने के लिए क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस आर की, इस आर को चुकी मुझे कोई ना देना, इस आर के लिए हम क्या लिखेंगे, ये आर SN2 देने के क्या होना चाहिए, कैपेबल, वरना रिएक्शन नहीं होगी, वरना रिएक्शन है। जैसे अगर अपन बात करें, मैंने CH3 O नेगेटिव, CH3 क्या ये C कार्बन SN2 देने के लिए कैपेबल है, तो इसका मतलब O नेगेटिव अटैक करेगा आयोडीन बाहर, क्या यहाँ पर भी ये वाला कैपेबल है, तो O नेगेटिव अटैक करेगा आई बाहर, क्या ये भी कैपेबल है क्या, तो O नेगेटिव अटैक करेगा आई, क्या ये वाला CH3 भी कैपेबल है, ये अटैक करेगा आई बाहर, इथर बन गया, इसके बड़े होने से मुझे कोई फर्क है, कोई कहे सर SN2 है, अरे जिस पे अटैक कर रहे हैं वो SN2 देने के कैपेबल होना चाहिए, तो निकले फाइल है। अरे बोलो जैसे मैंने कहा ये वाली रिएक्शन कराऊं तो क्या ये कैपेबल है इस पे अटैक करने के लिए, क्या सर ये इस पे अटैक करने के लिए क्या है, कैपेबल है, रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये वाली रिएक्शन दूं CH3O नेगेटिव और ये दिया है, ये कौन सा एल्कोहल है, कार्बन है बेटा, टर्शियरी कार्बन है, तो ये तो SN2 देता ही नहीं है, और SN2 देता ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे, नो विलियमसन रिएक्शन, नो इसमें विलियमसन नहीं है, तो एग्जाम पूछेगा रिएक्शन नहीं है क्या, नहीं विलियमसन नहीं है रिएक्शन, मैंने कब मना किया, क्या नहीं है, विलियमसन, क्योंकि विलियमसन है अगर इस कार्बन पे अटैक करना है तो SN2 कराने, SN2 देता नहीं है, तो विलियमसन तो नहीं है। अब CH3O नेगेटिव एक बेस भी तो है, याद करो एलिमिनेशन वाला यही तो बेस था, ऊपर वालों ने तो हीट नहीं दी हुई थी, तो इसको इसने हीट तो दी नहीं है, लेकिन ये कहता है मैं विलियमसन दे नहीं रहा, तो ये क्या करवा देगा, एलिमिनेशन, क्या करवा देगा, और एलिमिनेशन में ये लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से एच, और क्या होगा, एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा मिलेगा, हमका क्या, जैसे मैं तुम्हें ये दूं, क्या PHO नेगेटिव CH3I पे अटैक करके आई को बाहर कर सकता है, क्या CH3O नेगेटिव PHX पे अटैक करके एक्स को बाहर कर सकता है, क्योंकि बेटा PHX है वो SN1 SN2 रिएक्शन देता ही, अरे बोलो इसी तरह अगर मैं यहां बात करूं PHO नेगेटिव PHX से रिएक्शन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि सर अटैक ये वाला इस पे SN2 होती, तो इनके तो रिएक्शन ही नहीं होगी, इसकी रिएक्शन तो है पर विलियमसन नहीं है, इनके तो ना विलियमसन है ना कुछ है। और अब एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, हमें ये देता है और पूछता है कि विलियमसन एथर सिंथेसिस से क्या तो एल्कोक्साइड होना चाहिए, क्या हेलो एल्केन होना चाहिए, इनका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो हमें ऑप्शन में एक तो ये कॉम्बिनेशन लिख के देगा, एक ये देगा और दो चार देगा, तो हमें देखना है कि ये यहाँ अटैक करके विलियमसन नहीं दे सकता, लेकिन ये यहाँ अटैक करके विलियमसन दे सकता है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन सही, ये कॉम्बिनेशन है गलत। अरे बोलो जैसे हमें ये है, हमें पूछेगा ये बनाना है तो आप किस कॉम्बिनेशन से बनाओगे, दो कॉम्बिनेशन लिख के देगा वो, तो हम कहेंगे इस कॉम्बिनेशन में तो ठीक है लेकिन इसमें करना ठीक नहीं है, ये देता ही नहीं। अरे बोलो फिर इनके बनाने के तरीके क्या है, इनके बनाने के तरीके आप अभी पढ़ के आए हो, आप डाइजोनियम बनाना सीख चुके हो, और डाइजोनियम में आपने क्या डालना है, आरओ नेगेटिव, क्या डालना है, तो आरओ नेगेटिव ओआर अटैक करेगा N2 बाहर, बन गया नहीं वाला। अरे बोलो ये बेंजीन वाली साइड के बने, अरे चमका गया, इसी तरह से N2 प्लस है, क्लियर है, इस पे आप PHO नेगेटिव डाल दो क्या बन जाएगा, PHO PH। अरे बोलो तो अगर आपको ये बनाने हैं PHO PH ये वाले, इनकी रिएक्शन करवानी है आपस में, तो आपको विलियमसन से नहीं, आपको इस तरह से करानी पड़ेगी, एक का डाइजोनियम एक का फिनोक्साइडाइल। अरे बोलो तो बेंजीन वाला पार्ट यार रिएक्शन कर लेगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, PHO PH प्लस PHO PH
क्या मैं इसमें कंसेंट्रेटेड H2SO4 को डाल के सिमेट्रिकल एथर फॉर्मेशन करवा सकता हूं? एक ओवर जाएगा, एक कैच जाएगा, H2 निकल जाएगा ना, क्योंकि बेटा हाँ सिमेट्रिकल एथर फॉर्मेशन में भी तो कहा हुआ है कि ये वाला कार्बन SN2 रिएक्शन है नहीं देगा, वहां पर भी तो SN2 है, ये H2 निकलेगा कैसे यहां से, एक का तो OH निकलेगा ना, ये OH टूटता ही नहीं, एक कार्बन OH बॉन्ड। अरे बोलो आपको कैसे इसी की करवानी है मुझे, तो मैंने कहा इसमें जिंक डाल दे, क्या डाल दे तो बेंजीन बन जाएगा, इसमें HNO3 डाल दे क्या बन जाएगा NO2 आ जाएगा, इसमें रिडक्शन करा दे क्या आ जाएगा NH2 आ जाएगा, और इसमें HNO2 डाल दे क्या आ जाएगा डाइजोनियम आ जाएगा, और डाइजोनियम में तो कुछ भी डाल दे RO नेगेटिव। अरे बोलो तो उस फिनोल वाले कंपोनेंट से बन गया कि नहीं बन गया, तो क्या सबको समझ में आया बेटा, ये अपना टॉपिक रह रहा था तो आप इसे नोट डाउन कर लेना, कहीं पर भी कर लेना चाहिए, इसमें कर लेना, बोलो कोई दिक्कत है? इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और रह रहा है उसे भी समझो, फिर खाली जगह है तो उस पर करते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं छोटा सा ही है, जो बड़ा ध्यान से कि इसमें आता हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, क्या है बेटा जैसे बेटा अपने पास ये C डबल बॉन्ड O, हमने इसकी रिएक्शन करानी है H2O से, किससे करानी है H2O से, जैसे मैं इसको H2O से करा दे तो H2O में न्यूक्लियोफाइल कौन है OH, इलेक्ट्रोफाइल कौन है H, और आप कार्बोनिल रिएक्शन कराने में तो एक्सपर्ट हो, किससे इलेक्ट्रोफाइल तो ऊपर जाएगा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ जाएगा, और आपको पता है कार्बन पे दो OH स्टेबल है, फौरन से H2O बाहर निकल जाएगा और वापिस से कार्बोनिल कंपाउंड बन पाएगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ यहीं तक रिएक्शन करानी है। अरे बोलो तो आपको अगर ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो आपके एक दो ही पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आर अटैच्ड विथ कार्बोनिल, विथ इस कार्बोनिल ग्रुप से जिससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो सबसे ज्यादा देगा, या फिर there are possibility of a H bonding, there are possibility of a, या फिर यहां पे H bonding की possibility, फिर बोलो तो चार ऑप्शन देगा, चार में से एक में withdrawing group दिया होगा, तीन में withdrawing group नहीं दिया होगा, तो withdrawing group वाले का होगा, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी किससे आती है, अगर आपने आप कहते हो हमने पढ़ लिया तो क्लोरल जानते हो क्या होता है, अरे बोलो ये होता है क्लोरल, क्या होता है क्लोरल, डीडीटी सीख लिया ना बनाना, इसी से तो बनता है डीडीटी, ये कौन है क्लोरल, कौन है क्लोरल, इस क्लोरल की हम क्या करते हैं बेटा रिएक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं और किससे रिएक्शन कराते हैं, सॉरी आ गया, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं बेटा तो इसके हाइड्रोलाइसिस पे हमें क्या मिलेगा OH, OH, H, यही मिलेगा बेटा, अरे बोलो, और यहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इस CCl3 के माइनस H इफेक्ट के कारण ये क्या है स्टेबल है, क्या है बेटा स्टेबल, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि कब हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड स्टेबल कब होगा, किस में से होगा, मतलब होगा तो वापस तो रिलीज करना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, तो जब बहुत ज्यादा विड्रोइंग ग्रुप लगा होना चाहिए ताकि H2O टेक करने के लिए क्या हो बेटा कैपेबल हो, और दूसरा बेटा साथ में क्या हो जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, तो वो OH दोनों टिके रहेंगे, अरे बोलो ये याद रखोगे पक्का, ये उसी में लिख लेना बेटा ग्रिगनार्ड में, किसमें लिख लेना ग्रिगनार्ड के लास्ट में लिख देना एक जगह, कहीं फर्क पड़ता है, अरे बोलो ठीक है चलो जी।